तो आज मैं आपको WRG का इनविजुअल वाला एडिंग सिखाने वाला हूँ, जो लिटरली बहुत ज्यादा इजी है। और इस वीडियो को देखने के बाद तो आप गारंटी सीख जाओगे। और ऐसे शॉर्ट्स पे लाखों में व्यूज आते हैं, लेकिन मैं कितनी में अच्छा एडिंग कर लूं, मेरे व्यूज ही नहीं आते। तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आज की वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्पीकर एंड तक जरूर से देखना। और सबसे पहले आप देख लो प्रीव्यूज का। देख ले प्रीव्यू। चलो फिर हम भी ऐसे शॉर्ट्स बनाते हैं। सबसे पहले आपको आ जाना है फ्री फायर के अंदर, आपको क्राफ्टलैंड वाले ऑप्शन में आ जाना है। वहां पर आने के बाद आपको सर्च का ऑप्शन दिख रहा होगा, वहां पे सर्च करना है। मैं कोड आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करा दूंगा, और उस कोड को अपने फ्रेंड को भी शेयर करना है, और उसे भी कहना है यहाँ पर सर्च करने के लिए। फिर आपको स्टार्ट का ऑप्शन शो करेगा, आपके फ्रेंड को भी स्टार्ट का ऑप्शन शो करेगा। आप दोनों को एक साथ स्टार्ट करना है, जिससे आप दोनों का एक ही गेम में मैच मेकिंग हो जाएगा। और कब आप स्टार्ट कर रहे हो वो सारी बातें आप कॉल पे भी इजिली कर सकते हो, और इजिली मैच मेकिंग हो जाता है। थोड़ा आगे पीछे भी होगा तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, इजिली मैच मेकिंग हो जाएगा और आप दोनों एक ही गेम में आ जाओगे। और फिर वेंडिंग मशीन से आपको जोन से भी गन खरीदने खरीद लेना, अपने फ्रेंड को भी कहना। आपका फ्रेंड जस्ट सामने वाली छत पे होगा, तो आपका फ्रेंड और आप कॉल पे रहना और इजिली बताना उसे क्या क्या करना है, कैसे आपको वो वीडियो को क्रिएट करना है, जो बहुत ज्यादा आसान है। देखो मैं भी अभी वीडियो बनाने वाला हूं, तो ध्यान से देखना। तो मैंने अपने फ्रेंड को अच्छे तरीके से समझा दिया उसे कैसे करना है। वो सामने से फायर करेगा, यूएमपी से अंदर जाएगा बार बार, उसने मुझे तगड़ा वाला डैमेज दिया। तो ऊपर रेड रंग का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करके नीचे साइड में मुक्के वाला ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कर देना है। फिर आपको इनविजिबल वाला ऑप्शन शो करेगा, तो उस पर आप क्लिक करते ही आप इनविजिबल हो जाओगे। फिर आप अपने फ्रेंड के पास जाना, उसको आप नहीं दिखोगे, और इजीली उसे वन टैप मार देना। मैंने कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड किया, आप अपनी मर्जी से कैसे भी रिकॉर्ड कर सकते हो, और आप करके देखना एक बार, बहुत ज्यादा इजी है। और इसमें लगाने वाले हम एडिटिंग का तड़का, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आ जाना आपको कैपकट के अंदर। जो भी क्लिप हमने अभी रिकॉर्ड किया उसे आप कैपकट में ऐड कर लेना। मेरी क्लिप कुछ यहां से स्टार्ट हो रही है, और एंड में जाके जब मैं हेडशॉट मार देता हूं, जस्ट उसके थोड़ा सा आगे आकर उसे क्रॉप कर लेना। मैं वहीं तक काट रखूं, आपको भी वहीं तक रखना है। फिर वीडियो के शुरुआत में आ जाना, नीचे रेशियो वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके 9.60 रेशियो सिलेक्ट कर लेना। और फिर अपनी वीडियो को पूरे अच्छे तरीके से जूम कर लेना, जिस तरीके से जूम मैंने किया है। तो अब उस वाले पार्ट पे आ जाना जहां पर हमारा कैरेक्टर इनविजिबल हो रहा है। तो वहां पे आने के बाद जैसे हम क्लिक करते हैं ना, तो इनविजिबल काफी सारे ऑप्शन आते हैं। तो जस्ट इसके पहले जब ये नहीं आ रहा हो ना, तो वहीं पर आपको कटआउट मारना है। और वहां कटआउट मारने के बाद जैसे ये वाला इनविजिबल हमारा कैरेक्टर हो जाता है ना, देखो गाइस इनविजिबल हो चुका है, और ये हमने हटा दिया ना कट्टूस करके, तो वहीं पर दूसरा कटआउट मारना है और बीच वाली क्लिप को डिलीट कर देना, जिस तरीके से मैंने डिलीट किया। और बीच में आपको बॉक्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आपको ट्रेंड में काफी सारे एनिमेशन दिखेंगे, तो आपको यहाँ पर मिक्स वाला एनिमेशन सिलेक्ट करके राइट कर देना। आपको मैं प्ले करके दिखाता हूँ। तो गाइस देखो प्ले करके देखा तो हमने काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर इनविजिबल तो हुआ, लेकिन बीच में कुछ सीन्स भी आए बेकार वाले। तो क्या करूंगा मैं इस वाले पार्ट को थोड़ा सा क्रॉप कर दूंगा, और आपका ऐसा कुछ नहीं आ रहा तो ठीक है, फिर मत करना क्रॉप। और फिर वीडियो के शुरुआत में आना, जो जो मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूं ना, आपको भी वही वाला एडजस्टमेंट करना है, क्योंकि इस वीडियो में क्वालिटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नीचे की साइड में स्क्रॉल करके एडजस्टमेंट का ऑप्शन देखो, उसमें क्लिक करके ब्राइटनेस को 16 रखना, कॉन्ट्रास्ट को भी आप 15 या 16 रख लेना, और सैचुरेशन को आपको 32 रख लेना, या फिर ज्यादा आपके कलर ग्रेडिंग कम है तो उसे और भी इंक्रीज कर सकते हो 35 से 40। तो मैं 32 रखूंगा। एक्सपोजर को माइनस करने वाले -9, और यहाँ पे शार्प है ना उसे पूरा हाई कर देना, 100 कर देना। और फिर उसके बाद हाईलाइट पे आना, हाईलाइट को मैं माइनस करने वाला हूँ 7 या 8, और उसके बाद शैडो को मैं इंक्रीज कर लूंगा 7, और आपको लास्ट में विग्नेट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो उसे आप 16 इंक्रीज कर लेना। देन नीचे की साइड में आपको अप्लाई ऑल का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो उस पर क्लिक करते ही तो आपके सारी क्लिप पे ऑटोमेटिक अप्लाई हो जाएगा ये वाला एडजस्टमेंट। देन आप इफेक्ट लगाने वाला, तो नीचे इफेक्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करना। वीडियो इफेक्ट पे क्लिक करके ट्रेंडिंग में ही आपको शार्पन एडजस्ट का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पर आपको क्लिक करके राइट कर देना है। और राइट करने के बाद इसको आप पूरी वीडियो में फैला लेना। देन शुरुआत में आना, एडजस्टमेंट का नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करते हो तो ब्लर दिखेगा, ब्लर को बिल्कुल 0 कर देना। शार्पन को आपको 40 रखना है, साइज को आपको रखना है 7 रखना है, और उसके बाद रेंज को कम करते तो रेंज कम हो जाएगा, तो इसे मैं 100 रखूंगा। यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो कम करोगे तो यहाँ पर रोशनी आएगी, और ज्यादा करोगे तो अंधेरा आएगा, तो मैं इसे रखूंगा 40। तो काफी तगड़ी क्वालिटी आ चुकी है, लेकिन मैं वीडियो पे क्लिक करके नीचे की साइड में स्क्रॉल करके एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन पे दोबारा क्लिक करके HSL वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे ब्लू कलर को इंक्रीज कर दूंगा, क्योंकि मेरे को ब्लू कलर को थोड़ा सा और क्वालिटी को इंक्रीज करना है। तो ब्लू ग्रीन को भी मैं थोड़ा इंक्रीज कर दूंगा, आप इंक्रीज करना चाहते हो तो कर लेना, वरना कोई बात नहीं। और इतना काम हो जाने के बाद वीडियो को लास्ट में आना है, और लास्ट में जब हमने हेडशॉट मार लिया था ना, तो मैं इसका थोड़ा सा पार्ट और इंक्रीज करूंगा, क्योंकि
यहाँ पे एक इफेक्ट लगाने वाले हैं, तो एनिमी को जैसे हेडशॉट लग चुका है, एनिमी नीचे लेट चुका है ना, तो वहीं से इफेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना और एक इफेक्ट की लाइन होगी, स्कोर थोड़ा सा इंक्रीज कर देना पूरा एंड तक। फिर वीडियो इफेक्ट पे क्लिक करके हमें प्रो वाले ऑप्शन में आ जाना और यहाँ पर आपको मिल जाएगा डार्क एंड फ्लैश वाला इफेक्ट मिल जाएगा, जिस पर आप क्लिक करके लगा लेना। फिर इसके बाद एडजस्टमेंट वाले ऑप्शन पे इसका क्लिक करना, देन स्पीड को आपको खाली इंक्रीज करना 75 या 76 इंक्रीज कर लेना, देन राइट कर देना। बस ये इफेक्ट लगने के बाद आपका फोन थोड़ा लैग करेगा, इफेक्ट लैग करेगा, तो उस चीज की कोई दिक्कत नहीं लेना। मेरा ये फोन लैग कर रहा था, वीडियो एक्सपोर्ट के बाद वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। तो आपको वीडियो पे क्लिक करना और थोड़ा सा कम जूम कर रहे हैं, शुरुआत हमने थोड़ा कुछ ज्यादा ही जूम कर लिया था, तो आपको शुरुआत में कम जूम करना, ये चीज में भूल गया था। तो क्या करना, नीचे थोड़ा सा ब्लैक स्पेस होना चाहिए जितना मैंने रखा है, और ऊपर साइड में ब्लैक स्पेस थोड़ा कम रखना, क्योंकि ऊपर एक टाइमिंग चल रही है जिसे मैं ब्लैक पेपर से रिमूव करने वाला हूँ, ठीक है। तो इसे ध्यान से देखना, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर जूम किया जितना उतना आपको जूम करना है। फिर वीडियो की शुरुआत में आकर ओवरले पे क्लिक करके एड ओवरले पे क्लिक करना और आपको ब्लैक पेपर को ऊपर के साइड में एकदम अच्छे तरीके से एडजस्ट करना है, टाइमिंग के जस्ट ऊपर की टाइमिंग ना दिखे। इतना कर लेने के बाद अगर आपको यहाँ पर एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, देन टैक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर आपको लिख देना है सब्सक्राइब। सब्सक्राइब लिखने के बाद मैंने फाउंट कौन सा यूज किया आप देख लो, ये वाला मैंने फाउंट यूज किया है। और फिर टैक्स को अच्छे तरीके से ऊपर एडजस्ट कर लेना और पूरी वीडियो में फैला देना। और फिर क्या करना है, इसे कॉपी कर लेना, कॉपी करके जस्ट उसको नीचे ले आना, नीचे भी सब्सक्राइब वाला ऑप्शन लगा देना अच्छे तरीके से एडजस्ट कर लेने के बाद। तो अब मैं इस वीडियो का मेन म्यूजिक ऐड करने वाला हूँ, जो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी। तो यहाँ पे ऑडियो वाले ऑप्शन पे नीचे क्लिक करना, सॉन्ग वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ऐड कर लेना अपना म्यूजिक। वीडियो बनकर रेडी है फाइनल रिजल्ट दिखाने से पहले, लेकिन आपके व्यूज क्यों नहीं आता उसका मैं आपको सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो जैसे आप वीडियो को अपलोड कर देते हो ना, तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है जहां पे आपको अपना टाइटल लिखना होता है, जस्ट उसके बगल में आपको वीडियो दिख रही होगी, तो उसके ऊपर आपको पेंसिल का ऑप्शन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आपको नीचे एक ऑप्शन दिखेगा जिसे आपको आगे बढ़ा बढ़ा के देखना है। जो भी आपका शॉट का बेस्ट पार्ट होगा ना, ये बेस्ट सीन होगा, वहीं पर लाके आपको छोड़ देना है। जो भी सीन आप सिलेक्ट करोगे ना, वही आपको थंबनेल के रूप में शॉर्ट्स में दिखेगा। जैसे मेरे एक शॉर्ट्स पे आप ऐसा देख सकते हो, बिल्कुल थंबनेल का काम कर रहा है, बेस्ट सीन मैंने ये वाला लगाया है। तो आप इसी तरीके से लगाओगे तभी आप शॉर्ट्स पे क्लिक करेगा, ठीक है। तो इस बात के लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सेट कर देना ऐसे ट्यूटोरियल्स के लिए। और जो भी क्वेश्चन हो मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर पूछ सकते हो फॉलो करके, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा। अच्छी बातें जो फ्रेंच।